पर दुख द्रवई संत पुनीता। तुलसीदास जी लखे निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत पुनीता। माखण ने तो त्यारे ही पिगले जारे एने पोतानी ऊपर ताप लागे, पण संत तो बीजाना ताप ने जोई एने पिगली जाय एने दया आवी जाय। नारद जी ने ए 5 वर्ष नो बालक ध्रुव एना ऊपर दया आवी, प्रेम उभराणो। अने नारद जी ए कह्यु, बेटा तू यमुना किनारे जा, मधुवन छे त्या, मधुवन नी अंदर नित्य प्रति श्री हरि निवास करे छे, मानसिक भक्ति नु दान करू जेमा पदार्थनी जरूर पड़ती नथी। आपणे त्या भक्तिना, आपणे त्या पूजाना घणा बधा प्रकार छे। पंचोपचार पूजा आवे, दशोपचार पूजा आवे, व्यूषोपचार, त्रिंशोपचार, राजोपचार, पण एमा एक पूजा बीजी आवे मानसोपचार। एमा कोई पदार्थनी जरूर न पड़े। षोडशोपचार तमे पूजन करवा माटे बेसो, अहीं बधा जे कोई पण भाविक भक्तो सवारमां बेसे छे तो एने खबर छे, सवारमां षोडशोपचारथी भगवाननी पूजा थाय तो एनी अंदर घणा बधा पदार्थोनी जरूर पड़े। परमात्माने आसन आपवुं पड़े, तिलक करवा माटे चंदन जोईए, पंचामृत स्नान करवा माटे जोईए, वस्त्र अर्पण करवुं पड़े, मुखवास अर्पण करवो पड़े। पण मानसोपचार, मानसिक पूजा एक एवी पूजा छे जेनी अंदर भक्तने परमात्मानी पूजा करवा माटे कोई पण उपचारनी जरूर पड़ती नथी। खाली मननी अंदर स्मरण करवानुं, मननी अंदर एवुं भाव करवानो होय के परमात्माने हुं आ आ आ उपचारथी हुं स्नान करावी रह्यो छुं, परमात्माने हुं आसन अर्पण करी रह्यो छुं, परमात्माने हुं तिलक करी रह्यो छुं। સમયના અભાવે વંદન, માનસિક પૂજાનો પરમા નારદજીએ ધ્રુવજીને દાન કર્યું છે, અને શ્રીમદ ભાગવતનો મહાનમાં મહાન મંત્ર દ્વાદશાક્ષર મંત્રનું નારદજીએ ધ્રુવજીને દાન કર્યું। ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बधा प्रेमथी बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ए ध्रुव जी ने भारत ना भागवत ना द्वादशाक्षर मंत्र नो दान करी। ध्रुव जी खूब राजी थया, नारद जी ने प्रणाम करा, प्रदक्षिणा करी, ध्रुव जी रवाना थया। नारद जी ए पण आशीर्वाद आपा, बेटा जा मारो आशीर्वाद छे तने जल्दी थी जल्दी परमात्मा नी प्राप्ति थशे। महात्मा वर्णन करता कहे नारद जी आशीर्वाद आपे परीक्षा लेवा माटे आया था पण परीक्षा आपी न गया। आ बाजू नारद जी उत्तान पाद पासे गया, राजा ये स्वागत करियो, बोले राजन तारू मुख उदास केम छे। नारद जी ए प्रश्न करो उत्तान पाद ने, राजन तारू मुख उदास केम देखाय। अने वक्ते उत्तान पाद ना मुख माथी शब्दों निकला, व्यास जी ए शब्दों ने श्रीमद भागवत नी अंदर लखी नाख। अहो मे बत दौरात्म्यम स्त्रीजितस्यो पधारय योंकं प्रेम्णा रुरुक्षन्तं नाभ्यनन्दमसत्म। उत्तान पाद कहे अहो मे बत दौरात्म्यम, बाबा हूँ कुटिल छू, मारा जेवो संसार मा कोई अभागी नथी, कारण हूँ मारी स्त्री द्वारा जितायेलो छू, हूँ स्त्री नो गुलाम छु। उत्तान पादना शब्दो मळे अहो मे बत दौरात्म्यम स्त्री जितस्योपधारय, हूँ स्त्री द्वारा जितायेलो छु, मारु मारा घर नी अंदर चालतु नथी। अने ई वखत मा ई राजा नु नो चालतु होय तो अत्यारे तो पछी आपणे काई चिंता करवा जेवी नथी।